नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रूस यूक्रेन के बीच में जो वार है, अभी के लिए 13 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आज 13वां दिन है रूस यूक्रेन के बीच में जो वार हो रहा है उसके चलते, और लगातार रूस के ऊपर एक से बढ़कर एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, रूस के ऊपर स्विफ्ट बैन हो चुका है, मास्टर कार्ड, वीजा जैसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैं, वो भी बैन हो चुके हैं। और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करती हैं रशिया में, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, IBM, सैमसंग, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ तक कि एप्पल तक, उन्होंने सब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे बेचने बंद कर दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है। मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जितना हो सकता है, पूरी दुनिया के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है रूस के ऊपर कि जल्द से जल्द इस युद्ध को ख़त्म किया जाए। और अभी के लिए जो ताज़ा अपडेट है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका ने फाइनली बैन कर दिया है रशियन क्रूड ऑयल्स को, यानी कि रशिया जिन भी कंट्रीज को अपने कच्चे तेल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता था उनको बैन कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। रूस के ऊपर ये सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध एक और लगाया गया है, और जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा। ओपेक सहित दुनिया के जितने भी देश हैं जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि दुनिया पर इसका बहुत ही बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट जो बाइडन ने भी ये प्रतिबंध लगाने के बाद ये भी बोला है, इसका इम्पैक्ट खुद अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने ये जो क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगाया रूस के ऊपर, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कितना पड़ेगा, और इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट हमारे भारत देश में कितना पड़ेगा, हमारे जेब पर कितने पड़ेगा, हमारे देश में जो महंगाई है वो कितना हद तक बढ़ सकती है। तो बने रहिए वीडियो में, आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसे शांत करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है, अगर रूस के ऊपर ये क्रूड ऑयल का प्रतिबंध लगाया गया तो भारत और भी बहुत ऐसे देश हैं जिनसे क्रूड ऑयल ले सकता है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो क्रूड ऑयल बेचते हैं। तो एक देश पे अगर प्रतिबंध लगता है तो इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि रशिया पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, यानी कि दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा कच्चा तेल बेचता है। पहले नंबर पे सऊदी अरब आता है, दूसरे नंबर पे रशिया आता है, बाकी वेरियस ऑफ कंट्री हैं जो क्रूड ऑयल बेचती हैं। अब अगर क्रूड ऑयल को प्रतिबंधित किया है रूस में, तो नेचुरल गैस है उसको भी प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी कि जो भी LPG सिलेंडर्स है, जो गैस है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता रूस। तो इसका सीधा इंपैक्ट यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ही ज्यादा जाएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही बड़ी मात्रा पर डिपेंड करते थे रूस के ऊपर। और ना सिर्फ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बल्कि रूस बहुत ही भारी मात्रा में अपने कोयले को भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है रूस, तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि ये तीनों चीजें अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई हैं, और ये तीनों चीजें भारत भी रूस से बहुत ही भारी मात्रा में खरीदता था। तो अगर ये तीनों चीजें बैन होते हैं तो भारत पर भी इसका एक बहुत ही भारी भरकम निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर, भारत की महंगाई पर एक काफी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। अब वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। एक्चुअल में अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय पर जो इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल की कीमत है वो अभी के लिए $140 पर बैरल के हिसाब से बिक रहा है। और रूस ने पूरे विश्व को ये चेताया है कि अगर उन पर ये क्रूड ऑयल का जो बैन है कुछ दिनों तक खींच जाता है, कुछ महीनों तक खींच जाता है, तो आने वाले वक्त में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $300 पर बैरल के हिसाब से हो सकता है। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ह्यूज महंगाई लेके आएगा इंडिया में। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, खास करके पाकिस्तान, चीन और जो भी देश हैं, छोटे बड़े जितने देश हैं, सब इसके भारी भरकम इंपैक्ट से जूझेंगे। और $300 अगर पर बैरल के हिसाब से मिलेगा तो भारत को 200 बिलियन के हिसाब से आपको वहाँ पर डॉलर पे करना पड़ेगा। फिर आप सोच सकते हैं जो पेट्रोल की कीमत होगी वो एक आम इंसान शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि आपको 200 या 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलने लगेगा। और ये वो कोई बहुत ज़्यादा दिन की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, कि आने वाले 2-3 साल की बात नहीं बता रहा हूँ, आने वाले सिर्फ 4-6 महीने की बात है। अगर इस तरीके से क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बूम करता रहा, महंगाई बढ़ती रही, तो उसका असर आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और पेट्रोल शायद एक आम इंसान, मेरे जैसा आम इंसान, तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि हर एक चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी सामान विदेश से आता है या कहीं से भी अगर सामान लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको तेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जितने भी सामान हैं उनकी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे कि आपको बताया, जब से रूस यूक्रेन का वार हुआ है तो जो गेहूँ की डिमांड है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। और इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आप देखेंगे वेजिटेबल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिक सामान है, जो भी गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा महंगाई की तरफ चली जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गैजेट्स की बात नहीं है, कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन के सामान आते हैं उनकी बात नहीं है, आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो साग सब्जियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में उनकी गिनती होती है, उसके बिना तो शायद किसी की लाइफ नहीं चल सकती। अब एक किसान है, उसको अगर अनाज पैदा करना है, अगर उसको सब्जियां पैदा करनी है, तो उसके लिए उसे पेट्रोल या डीजल पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिंचाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल की ही जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में साग सब्जियों का भी रेट बहुत ही ज़्यादा आसमान में छुएगा, तो इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आम आदमी है ना, उसके जेब पर यह काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। रूस यूक्रेन का जो वार है, ये काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन पर। अब दोस्तों ये तो हो गया कि रूस के ऊपर जो क्रूड ऑयल बैन है उसका कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा विश्व पर, इनफैक्ट भारत पर कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपने ये जान लिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा, इसका कुछ तो समाधान होगा, तो आपको बता दूं कि इसका समाधान है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर समाधान नहीं है। खैर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या समाधान। जैसा कि रूस के ऊपर ये जो क्रूड ऑयल है वो बैन हुआ है, तो रूस पर काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मंदी आ सकती है, तो रूस ने इसका एक तोड़ निकाला है। एक्चुअली जितने भी यूरोपियन कंट्री अमेरिका सहित, तो वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन रूस ने भारत को और चाइना सहित जितने भी देश हैं उनको एक बड़ा ऑफर दिया है। इनफैक्ट भारत को एक काफ़ी बड़ा ऑफर रूस ने दिया है कि भारत अगर चाहे रूस से तेल खरीद सकता है, और रूस भारत को 30-25% तक का डिस्काउंट वो देगा उनके क्रूड ऑयल पर, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, भारत उनसे सस्ते तेल खरीद सकता है। लेकिन क्या अमेरिका खरीदने देगा? क्योंकि जैसा आपको पता है कि भारत पहले ईरान से तेल खरीदता था, और अमेरिका ने बहुत दिनों तक भारत को छूट दिया, लेकिन धीरे धीरे जब एक टाइम एंड आ गया तो इन पूरी तरीके से अमेरिका ने बैन कर दिया कि इंडिया के लिए कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। तो भारत के ऊपर भी ये डर है कि कहीं आर्थिक प्रतिबंध ना लग जाए, और रूस ने भले ही ऑफर दिया 30-25% तक का, तो अभी के लिए भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत को जितना हो सके उतना स्टोर कर लेना चाहिए, अभी भारत को मौका मिला है। तो चलिए, तो रही भारत की बात, अब अगर भारत के लिए फाइनली रास्ते बंद हो जाते हैं रूस के लिए, तब फिर क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है कि अभी अमेरिका ने जितने भी और देश हैं जिनके ऊपर क्रूड ऑयल को लेकर बैन लगाया हुआ है, सैंक्शन लगाए हुए हैं, उनको इन सेक्शन से बाहर निकाल दे, उनको इन प्रतिबंध से बाहर निकाल दे। जैसे कि वेनेजुला है, ईरान है, इनके ऊपर काफ़ी भारी भरकम प्रतिबंध है, और ये दोनों देश एक भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। और अगर ईरान के जो रास्ते खुल जाते हैं भारत के लिए, और भारत ईरान से अपने क्रूड ऑयल यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट की जितने भी क्रूड ऑयल हैं उनको इम्पोर्ट कर सके, तो हमारे लिए काफ़ी राहत की बात होगी। और शायद अमेरिका को ऐसा ही करना चाहिए, अगर पूरी दुनिया के रास्ते बंद कर देंगे तो इसका जो खामियाजा अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, जो छोटे छोटे देश हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अमेरिका को इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि अमेरिका के पास बहुत ही भारी भरकम भंडारण है क्रूड ऑयल का, जो कि अमेरिका उसका प्रोडक्शन नहीं करता है, विदेशों से वो पहले खरीदता है और प्रोडक्शन के मामले में बहुत कम इस्तेमाल करता है अमेरिका। अमेरिका का सोचना है कि इन द फ्यूचर जब क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में कमी आएगी तो उसका इस्तेमाल करेगा, और यही करने वाला है अमेरिका। जब पूरी दुनिया से रास्ते उसके लिए बंद हो जाएंगे, कहीं से वो खरीदने ना तो खरीदेगा तो खरीदने देगा, तो ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका को यह सोचना चाहिए कि अगर वो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं क्रूड ऑयल को लेकर, तो जो बाकी के और देश हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनके ऊपर यह प्रतिबंध रिलीज किया जाए, उससे पूरी दुनिया में कुछ राहत की सांस आएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं, पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।